What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 2 जुलाई 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। चार दिन का जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमने देखा था उसके अपर बैंड का इसने ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी इंडेक्स ने, और कल हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 1 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल का ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 10,383 के पास, कैसे निकाला था ये कल के वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, काफ़ी देर ये स्लगिश वे में ट्रेड हो रहा था और यहाँ पर ये बुलिश स्ट्रक्चर बना 20-50-100, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आया और इसके ऊपर निफ्टी ने लगातार यहाँ पर ट्रेंड होता हुआ ट्रेड करते हुआ हमें दिखाई दिया। और ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,410 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और उसके बाद ये जो सेकेंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट है इसी लेवल के बीच में ये पूरा दिन यहाँ पर ट्रेड होता रहा। काफ़ी वोलेटाइल फेस था। उसके बाद एग्जैक्ट जो सेकेंड टारगेट हमने यहाँ पर निकाला था 10,439 ये अचीव हुआ, और इसी लेवल के पास इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया, हर्डल फेस कर रहा था, और नीचे आने के बाद फर्स्ट टारगेट का सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग फैब के बारे में जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कुछ इंट्रो कर देता हूँ। ये ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है टेलीग्राम चैनल की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो जीरोधा का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, और कंटिन्यू करना है, तो अकाउंट ओपन होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, काफ़ी सेफ है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमें इस नंबर पे कॉल करके आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रो था। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल US मार्केट फिर से एक बार घरे निशान में बंद हुए। वैक्सीन की खबरें काफ़ी आ रही है, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं, तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो कोरोना वायरस के केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बना हुआ है। कब क्या न्यूज़ आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ओवरनाइट पोजिशन बनाते वक्त ध्यान रखें कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशनस यहाँ पर चल रहा है उसकी खबर आते ही मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। यूरोपियन मार्केट देखे तो कल लाल निशान में बंद हुए थे, हालांकि एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 76 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लगभग सभी एशियाई बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और डाउ फ्यूचर देखे तो 61 पॉइंट के इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल आज के लिए अभी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, मिड टर्म मूविंग एवरेज और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। अभी अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ऊपर चला जाता है प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करके तो 50 EMA यानी ये जो ब्लू लाइन है ये अराउंड 10,600 के पास आ रहा है, और उसके ऊपर देखें तो 100 EMA 10,700 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स, और नीचे सपोर्ट होगा 20 EMA का जो कि अराउंड 10,088 के पास है इस समय। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू ये हमने लेवल्स निकाले हैं। यहाँ पर 61.8% का लेवल यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट साबित हुआ था, रेजिस्टेंस फेस किया था लगातार 2 वीक, अभी उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न, एक बोरिंग फेज कहे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था लास्ट 3-4 दिनों से। तो यहाँ पर कल जो हमने आर्ली चार्ट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर एक रेंज निकाला था उसका अपर बैंड का इसने ब्रेकआउट दे दिया।
तो अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर से एक बार यहाँ पर 10,500 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें ये 10,700 600 के आसपास निफ्टी इंडेक्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये है डेली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक स्विंग हाई लो ओपन क्रिएट हो चुका है AI से। तो अगर हम इसको आर्ली चार्ट में अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि कल इसने एग्जैक्ट ये जो 100% का ये जो लेवल था 10,444 के पास, इसने एग्जैक्ट यहाँ पर कंटिन्यू 3 आर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो अगर हम इसे और एक लेवल ऐड कर देते 123.6, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो एग्जैक्ट ये 123.6% का लेवल R1 के लेवल के पास आ रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है ऑलमोस्ट 500 के लेवल के पास। तो आज के लिए अगर ब्रेकआउट लेवल बनना है तो R1 का ये जो लेवल है यानी 10,485 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,512, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,539 जो कि पिवट पॉइंट का R2 का लेवल है, और जहाँ से इसने ये एक छोटा फॉल दिखाया था अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिनों पहले, तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो ये जो कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था यानी 10,392 के पास, तो ये हमारा आज ब्रेकडाउन लेवल साबित हो सकता है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो ये निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन आज के लिए बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जस्ट 20 EMA के ऊपर यानी 10,368 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 10,000 काफ़ी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,345 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।